नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पिछड़ों की तरह अब स्वर्णों का भी बनेगा जाति प्रमाण पत्र। लालू यादव के जन्मदिन पर कुशवाहा और मांझी ने दी बधाई। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष को किया गया सस्पेंड। भारत में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिले 1,00,000 से कम मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पिछड़ों की तरह अब स्वर्णों का भी बनेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आज के समय में भी एक अहम दस्तावेज के रूप में माना जाता है। हालांकि अब तक इस प्रमाण पत्र की जरूरत पिछड़ों को ज्यादा होती थी, वहीं अब पिछड़ों की तरह ही स्वर्णों को भी जाति प्रमाण पत्र मुहैया करवाया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारी और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर निदेशक को दे दी गई है, जिसके बाद अब इस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के बन जाने से स्वर्ण जाति के लोग भी अपने कोटे के 10% आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि तमाम जातियां जो पहले से किसी आरक्षित वर्ग की सूची में शामिल नहीं है, उन्हें गैर आरक्षित वर्ग की सूची में शामिल किया जाए। यह नई सूची होगी। ज्ञात हो, राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थान में आरक्षण के लिहाज से पूरी आबादी का वर्गीकरण दो हिस्सों में किया है। एक श्रेणी उन लोगों की है जो पहले से ही आरक्षण की श्रेणी में है। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग शामिल है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष को किया गया सस्पेंड। कोरोना के दौरान डीजीपी एसके सिंघल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इसको लेकर अपराध अनुसंधान विभाग के डीआईजी ने अपना बयान जारी किया है। दरअसल कोरोना के दौरान मृत्युंजय सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि बिहार के डीजीपी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि बिहार के पुलिस अधिकारी कोरोना की चपेट में आकर मर रहे हैं। इसी बयान को लेकर पुलिस की छवि पर भी सवाल उठने लगे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह बिहार पुलिस के अपराध अनुसंधान भाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। बिहार के जेलों में बड़ी संख्या में रिहा होंगे अपराधी। बिहार के जेलों से अपराधियों को रिहा करने का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के मामलों को देखते हुए अब अधिकतम सजा पूरी कर लेने वाले कैदियों की रिहाई 2 से 6 महीने पहले कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही कैदियों को रिहा करने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके तहत 10 साल की सजा पाने वाले कैदियों को सजा पूरी होने से 6 महीने पहले, 7 से 10 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 5 महीने पहले, 5 से 7 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 4 महीने पहले, 3 से 5 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 3 महीने पहले, 1 से 3 साल के बीच सजा पाने वाले कैदियों को 2 महीने पहले रिहाई मिलेगी। वहीं आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, महिला और बाल हिंसा, आर्म्स एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक धोखाधड़ी केस के साथ टाडा, पोटा, यूएपीए, पॉक्सो, एनआईए, सीबीआई, ईडी और विशेष शाखा जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा पड़ताल किए गए मामलों में सजायाफ्ताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी। बिहार के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। अगर आप भी घर से बाहर निकलने का मन बना रहे हैं तो अपने साथ में छाता लेकर जरूर निकले, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के सभी जिलों में येलो अलर्ट बारिश को देखते हुए जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण 24 घंटे के अंदर पूर्णिया के रास्ते प्रदेश में मानसून प्रवेश कर सकता है। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में मानसून की बारिश हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सभी लोगों से आंधी पानी से विशेष सावधान रहने की गुजारिश की गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल की खाड़ी में वाले कम दबाव के कारण प्रदेश के विभिन्न इलाके में आज से बारिश शुरू हो जाएगी। इस दबाव में मॉनसून को भी आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। बिहार में नहीं है बालू की कोई कमी। कोविड-19 के कारण खनन कार्यों में कमी आ गई है और कुछ जिलों में बंदोबस्तधारियों द्वारा बालू खनन का काम रोकने के बाद भी बालू की कमी की बात से इनकार किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में करीब 15 करोड़ घन फुट बालू का भंडार सरकार के पास है। विभिन्न जिलों से विभाग को ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बंदोबस्तधारियों के खनन काम को रोकने और कुछ जिलों में लॉकडाउन की वजह से बालू खनन का काम प्रभावित हुआ है और जिलों में बालू की कमी हो गई है, जिसका फायदा बालू विक्रेता उठा रहे हैं और मनमाने दाम पर बालू की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर ने सभी जिलों के खनन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर जिले में उपलब्ध बालू भंडार का ब्यौरा तलब किया था। बिहार से बड़े शहरों को जाने वाली ट्रेनों में हुई लंबी वेटिंग लिस्ट। बिहार से बड़े शहरों को जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 के मामलों में आई गिरावट के बाद प्रवासी मजदूर अब काम पर लौटने लगे हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में पलायन कर अपने राज्य पहुंचने वाले मजदूरों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। पटना से नई दिल्ली, मुंबई, यशवंतपुर, सिकंदराबाद, विस्कोडेगामा, पुणे, एर्नाकुलम, हावड़ा और बेंगलुरु समेत अलग अलग स्टेशनों को जाने वाले सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पाटलिपुत्र, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल समेत राज्य के अलग अलग स्टेशन से विभिन्न राज्यों को जाने वाली सभी ट्रेनों में 100% सीटें भर रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते से ट्रेनों में भीड़ की स्थिति बनी हुई है। ब्लैक फंगस के बाद अब नए संक्रमण ने बढ़ाई बिहार की मुश्किलें। बिहार में कोविड-19 संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस नए संक्रमण के लिए तैयारी जारी की थी। वहीं दूसरे संक्रमण ने प्रदेश में दस्तक दे दिया है। जानकारों की माने तो एस्पेरगिलोसिस फंगस एक नया संक्रमण
सामने आ चुका है जिसने बिहार में दस्तक दे दिया है। पटना के अस्पतालों में इसके कुछ मामले सामने आए हैं। यह फंगस ब्लैक फंगस के मामले से ही मिलता जुलता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिटी स्कैन में भी इसे आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है। डॉक्टरों के लिए यह एक नई चुनौती बन चुकी है क्योंकि उन्हें इलाज के पहले कंफर्म होना पड़ता है कि मरीज ब्लैक फंगस का है या फिर एस्परगिलोसिस का। उसके बाद ही वो इलाज की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने एक बार फिर से स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखने की अपील की है। 15 महीने बाद पटरियों पर फिर से दिखेगी कामाख्या एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कामाख्या गया साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 15 महीने के बाद फिर से पटरी पर नजर आने वाली है। रेलवे ने साप्ताहिक एक्सप्रेस को चलाने की सहमति दे दी है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप अब भागलपुर के अलावा मुंगेर, लखीसराय, गया, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को कामाख्या आना जाना रखना चाहिए। उसके लिए अब यह आसान होगा। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का परिचालन 21 जून और गया से 22 जून को होगा। LHB रैंक के साथ कुल मिलाकर 22 कोच के साथ यह ट्रेन स्पेशल बनकर चलेगी। इसमें आरक्षण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, COVID-19 की पहली लहर यानी कि 23 मार्च 2020 से ही ट्रेन का परिचालन पूरी तरीके से बंद है। लालू यादव के जन्मदिन पर कुशवाहा और मांझी ने दी बधाई। लालू प्रसाद यादव आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार के साथ समर्थकों ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा और जितनराम मांझी ने भी उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा ने अपना जारी बयान करते हुए कहा है कि बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इसके साथ ही बिहार में लालू प्रसाद यादव के समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। घोड़े पर बैठकर लालू प्रसाद यादव के नाम का केक काटा गया। इतना ही नहीं, समर्थकों ने लालू प्रसाद यादव को कृष्ण का मसीहा भी बताया। 18 जून को 4 घंटे तक सरकारी और निजी ओपीडी रहेगी बंद। बाबा रामदेव ने हाल ही में एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सूबे के डॉक्टरों में 18 जून को 4 घंटे तक सरकारी और निजी ओपीडी को बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान डॉक्टर मरीज को नहीं देखेंगे। IMA ने ओपीडी बंद करने का आह्वान कर दिया। एसोसिएशन बाबा रामदेव के चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं शहीदों के प्रति दिए गए अपमानजनक बयान और डॉक्टरों पर हो रही हिंसा के खिलाफ ओपीडी बाधित करने का फैसला ले चुका है। इस बाबत IMA बिहार शाखा की तरफ से भी जिलों के अध्यक्ष और सचिव को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य मुख्यालय के अध्यक्ष और सचिव की बैठक में ओपीडी बाधित करने का फैसला लिया गया। 18 जून को सभी सरकारी और निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक ओपीडी बंद रखेंगे। मांझी ने दी भाजपा को सीधी चेतावनी। जीतनराम मांझी और भाजपा कहने को एक ही दल में है, लेकिन दोनों के विचार कुछ दिनों से काफी एक दूसरे से विपरीत नजर आ रहे हैं। इसी बीच मांझी ने एक बार फिर से भाजपा को बूस्टर डोज देने का काम किया है, जिसके तहत हम की तरफ से आज सुबह सुबह भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट के साथ कहा गया कि सबका साथ सबका विकास का नारा देकर तुष्टिकरण की राजनीति करना ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बेहद बुरे होंगे। यह बयान हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जारी किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि कभी नक्सल तो कभी आतंकवाद की बात कर जाती और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को अब अपने आप में बदलाव कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। सुशील कुमार मोदी ने COVID-19 से दिवंगत हुए लोगों के आश्रितों को राशि मुहैया करवाने में बिहार को बताया नंबर वन। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन बिहार को COVID-19 से जान गंवाने वालों के आश्रितों को राशि मुहैया करवाने के मामले में नंबर वन बताया है। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के बावजूद बिहार पहला राज्य है जिसने COVID-19 से जान गंवाने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। इस महामारी की हर चुनौती का सामना करने के लिए कैबिनेट ने 300 करोड़ की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यदि आंकड़ा छिपाने का विपक्ष का आरोप सही होता तो सरकार ना ही आंकड़े जुटाने वाली टीम गठित करती और ना ही उसका अपडेट जारी करने का साहस करती। शहाबुद्दीन के विरासत संभाल सकते हैं उनके बेटे उसामा शाह। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के दुनिया को अलविदा कहने के बाद उनके बेटे की एंट्री राजनीति में हो सकती है। सूत्रों की माने तो दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाह जल्द गृह जिले सिवान समेत बिहार के अन्य जिलों का दौरा शुरू कर सकते हैं। इनमें गोपालगंज और छपरा जिले की संभावना अधिक है। सूत्रों की माने तो दौरा कर उसामा राय मशवरा करेंगे, जिसके बाद वे आगे क्या करना है ये फैसला लेंगे। इसके साथ ही शहाबुद्दीन परिवार के समर्थकों ने बताया कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो भी निर्णय लेगा वो उनके साथ है। अब वो समय आ गया है जब बिहार में बड़े बदलाव की जरूरत है। बदलाव के बाद ही बिहार विकास करेगा। समर्थकों की माने तो हिना शाह का 3 महीने 13 दिन का इद्दत समाप्त होगा और तब परिवार की तरफ से सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। जहां एक तरफ भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका दौरे के लिए भारत की बी टीम तैयार हो गई है, जिसमें ओपनर के तौर पर शिखर धवन साथ ही साथ टीम के कप्तान के तौर पर भी नजर आएंगे। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने 20 सदस्य टीम का ऐलान किया है, जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव तथा युजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी को चुना गया है।
भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के साथ साथ जिन खिलाड़ियों को दौरे पर भेजा जाएगा उनकी बात करें तो इसमें शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पड्डीकल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल, के गौतम, कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चौहान, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया का नाम शामिल है। भारत में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिले 1,00,000 से कम मामले। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है, लेकिन जान गंवाने वालों की संख्या अभी भी सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। बीते दिन पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 91,702 लोग कोरोना की चपेट में आए, वहीं 3,403 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। बता दें कि इस अवधि में 1,34,580 लोगों का इलाज कर ठीक किया जा चुका है। देश में फिलहाल कोरोना के कुल एक्टिव मामले 11,21,671 है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम कप्तान बनाने का फैसला आपके अनुसार सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।